बिना हिसाब में से बहुत सारे लोगों ने मेरे को कमेंट्स में बोला था कि एक रियल जैसी दिखाई देने वाली एरोप्लेन खरीदने के लिए ये खरीद के लेके आ चुका हूँ मैं एयरबस A380। आज इसकी फ्लाइंग टेस्ट करेंगे, देखते हैं क्या ये एरोप्लेन सच में फ्लाई कर पाएगा या फिर नहीं। मैं इसकी फाइट कराऊंगा बहुत सारे ड्रोन के साथ। यहाँ पे मेरे पास ड्रोन भी है, ये है साइमा Z5W ड्रोन, ये गाइस पेट्रासोरस ड्रोन, ये है एक्सप्लोरर ड्रोन, अभी ये है एक धमाकेदार चीज फाइटर जेट। आज इसकी रेस कराएंगे एयरबस A380 के साथ। तो चलो गाइस फटाफट से करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, देखते हैं इसकी क्वालिटी वगैरह कैसी है। लेट्स स्टार्ट। तरह के बॉक्स में मेरे को मिला है, फटाफट से इसको यहाँ से मैं अनबॉक्स कर देता हूँ। यार आपने अभी तक इस वीडियो पर लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक करो, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर से दबा देना। बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स है, तो यहाँ पे देखो यार बॉक्स के ऊपर ही यहाँ पे A380 सिविल एयरक्राफ्ट बोल के दिया गया है, यहाँ पे इसका मॉडल नंबर है और यहाँ पे दिया गया है आई हॉबी RC बोल के गया। इसको मैंने खरीदा था, ओ भाई यहाँ पे तो 37,000 दिया गया, मैंने इसको सिर्फ 10,999 रुपीज में खरीदा। आप भी खरीदना चाहते हो तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से जाकर आप चाहे तो इसे खरीद सकते हो। बॉक्स के पीछे और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है, कौन सी मोटर दी गई है, कौन से प्रोपेलर्स लगाए गए हैं, सारी चीजें देखने को मिल जाएगी। चलो बॉक्स को यहां से मैं ओपन कर देता हूं। ये आ चुकी है हमारी सिविल एयरक्राफ्ट A380। ओहो अच्छा, तो अलग अलग पार्ट्स में इसको दिया गया है। यहाँ पे है इसकी यूजर गाइड, इसको असेंबल करने से पहले फटाफट से मैं एक बार इसकी यूजर गाइड पढ़ लेता हूँ, क्योंकि ये एक एरोप्लेन है तो इसको सही से असेंबल करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, वरना ये क्रैश भी हो सकती है। तो एक एक करके मैं आपको सारी चीजें बता देता हूँ। यहाँ पे इसके प्रोपेलर्स है, 4 एक्स्ट्रा प्रोपेलर्स दिए गए, सामने के इसके व्हील्स वगैरह भी दिए गए, पीछे के भी व्हील्स इसके अंदर दिए गए। सारी चीजें हम लोगों को असेंबल करना पड़ता है इसके अंदर। ये इसका विंग स्पैन है, सेंटर वाला पार्ट मेरे को ये लग रहा है। यहाँ पे देखो A380 सिविल एयरक्राफ्ट बोल के दिया गया, यहाँ पे इसका चिपसेट दिया गया, यहाँ पे है बैटरी कंपार्टमेंट, यहाँ पे हम लोगों को इसकी बैटरी लगानी पड़ती है, इधर है इसके प्रोपेलर, बहुत ही छोटी छोटी सी मोटर दी गई है ताकि इसका वेट हल्के से हल्का रखा जा सके। यहाँ पे इसके इंजन जैसा डिजाइन बनाया गया है, यहाँ पे कम्प्लीटली 4 इंजन हम लोगों को देखने को मिलते हैं, पर ये इंजन काम नहीं करते हैं गाइस, जस्ट ये इसका डिजाइन का ही पार्ट है। यहाँ पे एक फोम है, इसको हटा देते हैं। यहाँ पर है इसका रिमोट कंट्रोलर, रिमोट दिखा देता हूँ, काफी अच्छी क्वालिटी का रिमोट है, बहुत ही सॉलिड लग रहा है। यहाँ पे 2 जॉयस्टिक है, यहाँ पे 2 बटन है, यहाँ पे ऑन ऑफ स्विच है, ऊपर की तरफ ट्रिगर्स है, शायद इसको ट्रिम वगैरह करने के लिए 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का रिमोट है। पीछे की तरफ 3 AAA बैटरीज डालनी पड़ती है रिमोट को ऑन करने के लिए। तो अभी इसका फ्यूसलाज मैं आपको दिखा देता हूँ, स्टायरोफोम या फिर EPP मटेरियल का मेरे को लग रहा है, हाँ EPP मटेरियल का बना हुआ है, आपको दिखने में ऐसा लगेगा कि ये स्टायरोफोम। यार ये क्या गड़बड़ है, यहाँ पे देखो यार इसका नंबर अभी निकलना चालू हो चुका है, यहाँ पे प्रॉपर तरीके से इन लोगों ने इसके ऊपर स्टिकरिंग वगैरह नहीं की है। साइड में इसके विंडोज वगैरह दिए गए, यहाँ पे इसकी टेल है, बहुत अच्छी क्वालिटी मेरे को लग रही है इसके अंदर। और क्या क्या चीजें दी गई है, यहाँ पे इसकी बैटरी, यार बैटरी से तो मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो चुका हूँ, क्योंकि देखो सिंगल बैटरी दी गई है, वो भी बैटरी का साइज बहुत ज्यादा छोटा है, एक और 2 बैटरी लोगों को देना चाहिए था। यहाँ पे इसके साथ और भी प्रोपेलर्स दिए गए, यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर है, और भी ज्यादा व्हील्स इसके साथ मिले यार। यहाँ पे इसके कुछ स्टिकर्स वगैरह भी दिए हैं। इसको असेंबल करना बहुत ज्यादा इजी यार, क्योंकि 2 ही पार्ट्स हम लोगों को मिलते हैं। ये जो पार्ट है यहाँ पे इस तरह से लगा देंगे और यहाँ पर एक स्क्रू कस देंगे तो यार ये पूरी तरीके से फिट हो जाएगी। अभी इसका लुक देखो यार, पूरा का पूरा एक रियल एरोप्लेन जैसा ही दिखाई दे रहा है। तो यार अब अनबॉक्स करते हैं साइमा Z5W फोल्डेबल ड्रोन। ये ड्रोन एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक ड्रोन जैसा दिखाई देता है, इसकी जो क्वालिटी है बहुत ज्यादा ऑसम है। मैंने इसको अमेजोन से खरीदा था गाइस, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया, वहां से जाकर आप चाहे तो इसे खरीद सकते हो। ये है इसका रिमोट कंट्रोलर, काफी ज्यादा सॉलिड क्वालिटी का है। यहाँ पे है साइमा ड्रोन। ये ड्रोन देखो यार अवतार ड्रोन जैसा ही दिखता है, ऊपर की तरफ एक प्रोपेलर है, नीचे की तरफ एक प्रोपेलर है, इस तरफ भी सेम वैसे ही पोजिशन में प्रोपेलर यहाँ पे दिए गए। साइमा की ब्रांडिंग यहाँ पे दी गई है, यहाँ पे ऑन ऑफ स्विच है, बिल्ड क्वालिटी ठीक ठाक है और ये ड्रोन बहुत ज्यादा हल्का फुल्का। ये ड्रोन की सबसे खास चीज मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर हम लोगों को कैमरा भी देखने को मिल जाता है। ये कैमरा उतनी अच्छी क्वालिटी का है ना, फिर भी काम चलाऊ कैमरा मेरे को ये लगता है, क्योंकि इसका प्राइस बहुत कम है और इसको मैंने सिर्फ 3000 के आसपास में कुछ खरीदा था। यहाँ पे इसके साथ बहुत सारी चीजें मिलती है, जैसे कि ये इसके एक्स्ट्रा ब्लेड्स दिए गए, प्रोपेलर गार्ड्स दिए गए और एक मोबाइल होल्डर भी मिल जाता है, क्योंकि इसको हम लोग मोबाइल में भी देखकर फ्लाई करा सकते हैं। यहाँ पे इसकी बैटरी, ये बैटरी देखो यार कितनी ज्यादा बड़े साइज की है, ऐसी बैटरी शायद यार इन लोगों को भी देना चाहिए, क्योंकि एरोप्लेन है यार, अगर बैटरी खत्म हो जाएगी तो ऊपर से सीधा नीचे ही क्रैश कर जाएगा। तो ठीक है यार अनबॉक्स करते हैं पेट्रासोरस ड्रोन को। ये बिल्कुल एक उड़ने वाला डायनासोर जैसा ही दिखाई देता है, देख सकते हो H14+ बोल के यहाँ पे दिया गया है। तो इसको भी मैं यहाँ से अनबॉक्स करके आपको दिखा देता हूँ। इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी ज्यादा सॉलिड, काफी ज्यादा ओपी मेरे को लगती है, क्योंकि ये पूरा का पूरा सॉलिड प्लास्टिक से बनाया गया है। नॉर्मली जो ड्रोन्स होते हैं बहुत ही फ्लेक्सिबल प्लास्टिक के बने होते हैं, पर इसको बहुत ही यूनिक प्लास्टिक से बनाया गया है। इसका रिमोट भी देखो कितना ज्यादा यूनिक है, बहुत ही क्यूट सा रिमोट इसके साथ देखने को मिल जाता है। पीछे की तरफ 2 AA बैटरीज डालनी पड़ती है, इसके साथ भी एक छोटी सी बैटरी देखने को मिल जाती है, शायद इसकी बैटरी इसी के अंदर रहे।
रह गई है यार। ये इसकी यूजर गाइड है और ये है इसकी बैटरी, बिल्कुल A380 बैटरी जैसी इसके अंदर भी दी गई है। तो ये सभी एरोप्लेन्स और ड्रोन्स को मैंने यहाँ पे रख दिया है। पहले इन दोनों के बीच में मैं आपको साइज कंपेरिजन करके बता देता हूँ। क्लियरली आप देख सकते हो एयरबस A380 फाइटर जेट के मुकाबले में काफी ज्यादा बड़े साइज का है। देखते हैं आज दोनों में से कौन जीता है। लेट्स गो एंड फाइट। तो यार सबसे पहले एयरबस A380 को टेस्ट करके देखते हैं। प्रोपेलर्स इसके बहुत स्पीड से घूम रहे हैं और इसके अंदर थ्रस्ट बहुत ज्यादा दिया गया है। चलो अभी इसको फ्लाई करा के देखते हैं। बहुत अच्छे तरीके से टेक ऑफ कर चुकी है। यहाँ पे अनबैलेंस होकर अभी ये नीचे ही गिरने वाली थी, जैसे तैसे करके मैं इसको संभाल चुका हूँ। इसकी स्पीड बहुत ज्यादा भयंकर दी गई है यार। अभी मेरे ऊपर ये क्रैश हो जाती, इसको ऊपर लेके जाने के चक्कर में ये पूरा का पूरा नीचे आकर क्रैश हो चुकी है। बिल्कुल भी टूटी फूटी नहीं है। अभी मैं इसको थोड़ा सा अलाइन कर देता हूँ यार, ताकि ये थोड़ा सा स्लो फ्लाई करे और मैं इसको सही तरीके से बैलेंस करके उड़ा सकूं। तो वापस से इसको फ्लाई करा चुका हूं। देखते हैं गाइस इस बार ये किस तरह से फ्लाई करती है। यहां पर आज हवा भी कुछ ज्यादा ही आ रही है यार, इस वजह से इसको संभालना थोड़ा सा मेरे को मुश्किल हो रहा है। बाकी ठीक ठाक तरीके से अब फ्लाई कर रही है। ऐसा लग रहा है कि यार मैं कोई रियल एरोप्लेन फ्लाई करा रहा हूं और दिखने में भी ये बिल्कुल एक रियल एरोप्लेन जैसे ही दिखाई देती है। भाई साहब मजा आ गया इसको फ्लाई करा के। अगर आप फर्स्ट टाइम कोई एरोप्लेन खरीद रहे हो तो यार इसको बिल्कुल भी मत खरीदना, क्योंकि इसको उड़ाना बहुत ज्यादा हार्ड है। अब टच करते हैं F-35 फाइटर जेट को। इसकी भी स्पीड बहुत ज्यादा दी गई है। इसके प्रोपेलर देखो कितनी तेजी से घूम रहे हैं। यहाँ पे मैंने इसको टेक ऑफ करा दिया है, बहुत आराम से टेक ऑफ कर चुकी है। इसको फ्लाई कराना A380 के मुकाबले में बहुत ज्यादा इजी मेरे को लगता है, क्योंकि ये बहुत आराम से कंट्रोल हो जाती है। अगर आप इसको बहुत नीचे से भी फ्लाई कराओगे तो गाइस देखो ये बिल्कुल भी क्रैश नहीं होती है। और इसकी भी स्पीड बहुत ज्यादा दी गई यार, देखो कितनी स्पीड से फ्लाई कर रही है। ये भी बिल्कुल एक रियल फाइटर जेट जैसे ही दिखाई देती है। आप टेस्ट करते हैं पेट्रासोरस RC ड्रोन को। ये ड्रोन को फ्लाई कराने के लिए पहले इसको जमीन पे रखना पड़ता है, तब जाकर ये फ्लाई करता है। बहुत आराम से टेक ऑफ कर चुका है ये ड्रोन को। आप जितनी लो एटीट्यूड में फ्लाई कराओगे उतनी अच्छी तरीके से फ्लाई करता है। जैसे आप इसको दूर लेके जाते हो तो ये अनबैलेंस होकर क्रैश होने लगता है यार। ये एक दिक्कत लगी मेरे को ये ड्रोन के अंदर, क्योंकि ये एक्चुअल में इंडोर वाला ड्रोन है। अगर आप इसकी लुक की बात करो तो ये बहुत ज्यादा यूनिक दिखाई देता है। अब टेस्ट करते हैं साइमा Z5W ड्रोन को। ये ड्रोन भी आउटडोर में बहुत अच्छे तरीके से फ्लाई करता है। जब तक आप इसको लो एटीट्यूड में फ्लाई कराओगे नो डाउट बहुत अच्छे तरीके से ये कंट्रोल भी हो जाता है। जैसे आप इसको ज्यादा ऊपर लेके जाने की कोशिश करते हो तो देखो गाइस ये ऐसे डगमगाने लगता है और अनबैलेंस होने लगता है। ये देखो यार अभी ये सीधा मेरे ऊपर ही क्रैश हो जाता है, जैसे तैसे करके यहाँ पर मैं बच चुका हूँ। अब मैं फ्लाई कराने वाला हूँ एक्सप्लोरर ड्रोन को। ये ड्रोन के साइड प्रोपेलर गार्ड्स लगाने के बाद इसका साइज काफी ज्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है और ये ड्रोन थोड़ा बहुत प्रोफेशनल ड्रोन जैसा भी दिखता है। इस ड्रोन को आप जितनी ऊपर चाहे उतनी ऊपर तक फ्लाई करा सकते हो। इतनी ऊपर और इतनी दूर तक तो यार सिर्फ DJI ड्रोन से फ्लाई कर सकते थे, पर ये ड्रोन भी देखो यार इतना ज्यादा कैपेबल है कि आप इसको बहुत दूर तक फ्लाई करा सकते हो। अब रेस कराते हैं ये दोनों एरोप्लेन्स के बीच में, देखते हैं गाइस दोनों में से कौन जीतता है इस रेस को। फाइटर जेट बहुत ज्यादा आगे निकल गई है। यहाँ पे A380 एरोप्लेन पूरी कोशिश कर रही है इसको ओवरटेक करने के लिए। अभी दोनों को यहाँ से मैं टर्न करा लेता हूँ। फाइटर जेट पहले फटाफट तरीके से टर्न होके आगे निकल गई है। यहाँ पे A380 को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है यार टर्न लेने में, इस वजह से मेरे को लग रहा है गाइस ये बहुत ज्यादा पीछे हो गई है। इसी बात का फायदा उठाकर फाइटर जेट ने जीत लिया है इस रेस को। A380 भी बहुत फास्ट तरीके से फ्लाई कर सकती है, पर ये बहुत अनस्टेबल है। अब रेस कराते हैं F-35 फाइटर जेट वर्सेस एक्सप्लोरर ड्रोन के बीच में, देखते हैं इन दोनों में से कौन जीतता है इस रेस को। दोनों को मैंने टेक ऑफ करा दिया है। यहाँ पे वापस से फाइटर जेट आगे निकल गई है, पर यहाँ पे कुछ हवा ज्यादा ही आने लग रही है, इस वजह से ये फाइटर जेट थोड़ा सा डगमगा रहा था, पर जैसे तैसे करके ये बैलेंस करके आगे निकल गई है। क्लियरली आप देख सकते हो फाइटर जेट ने जीत लिया है इस रेस को। ये ड्रोन इतनी अच्छी तरीके से फ्लाई करेगा यार मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था, पर ये थोड़ा सा स्लो है। क्लियरली आप देख सकते हो इस रेस को भी फाइटर जेट जीत चुकी है। अब वेट कैरी टेस्ट करेंगे A380 का। इसके नीचे मैंने एक ग्लास बांध दिया है, देखते हैं गाइस ये इतना वेट लेकर फ्लाई कर पाएगी या फिर नहीं। टेक ऑफ मैंने इसको करा दिया है, इसको पूरी तरीके से ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहा हूं, पर देखो गाइस नीचे आ चुकी है और यहां पर क्रैश हो चुकी है। अब देखते हैं फाइटर जेट ये ग्लास का वेट लेकर फ्लाई कर पाएगा या फिर नहीं। यार ये फाइटर जेट तो A380 जितना भी फ्लाई नहीं कर पाया है और ये पहले ही क्रैश हो चुका है। अब साइमा ड्रोन के नीचे भी मैंने एक ग्लास बांध दिया है, देखते हैं गाइस ये ग्लास का वेट लेकर फ्लाई कर पाएगा या फिर नहीं। बहुत आराम से इसने टेक ऑफ कर दिया है, पर देखो यार जैसे ही थोड़ी सी ज्यादा हवा आई है ये भी क्रैश हो चुका है यहाँ पर। अब एक्सप्लोरर ड्रोन को टेस्ट करते हैं गाइस, इसके भी नीचे मैंने ग्लास बांध दिया है, देखते हैं ये फ्लाई कर पाता है या नहीं। यार ये ड्रोन तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही फ्लाई कर चुका है और ये बहुत ऊपर तक भी फ्लाई कर रहा है यार। इतना सस्ता वाला ड्रोन इतने अच्छे तरीके से फ्लाई करेगा मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। पर आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आपको ये एरोप्लेन्स पसंद है या फिर ड्रोन्स पसंद है। चलो अभी मैं दे देता हूं शाउट आउट। पहला नाम है रोनित, मनदीप, पवन, जिशान, चांद, धनुष, स्वयं, भावेश, फरहान, प्रतीक। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय दोस्तों।